फिजिक्स बेसिकली क्या है, इसके अंदर हमने स्टडी क्या करना है, किसके मुतालिक पढ़ना है। अब वर्ड पार्टिकल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ना मतलब यहाँ स्टडी करना जा रहे हैं पार्टिकल्स के बारे में, जो के मतलब फंडामेंटल पार्टिकल है। आप लोगों ने एटॉमिक फिजिक्स पढ़ी है, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है, पढ़ी है ना ये दोनों? ओके जी मैम। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप लोग? मक्खी आवाज नहीं आ रही अरे मैं ये मैम, उसमें स्कैटरिंग पड़ी है, एलएस कपलिंग पड़ी है। बेसिकली अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए कि एटॉमिक फिजिक्स है किसके मतलब, वो है एटॉमिक लेवल के ऊपर, ठीक है। आप लोग जी मैम किसी भी चीज को जो स्टडी करते हो, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके करैक्टरिस्टिक्स को, वो एटॉमिक लेवल के ऊपर जाके पढ़ते हो, जो कि है क्लासिकल के अंदर। जब आप एटॉमिक लेवल से नीचे लेवल के ऊपर जाओगे, उससे स्मॉलर लेवल के ऊपर जाओगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाएगी, ठीक है। वहां पर आप के भी छोटे हिस्से को स्टडी करते जो कि उसका न्यूक्लियस है, ऐसे ही है ना। जहां आप प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हो, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हो, बाकी पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हो, और उसको हम एज अ होल कह देते हैं जी ये एक न्यूक्लियर फिजिक्स है। अब जब इस लेवल तक साइंटिस्ट पहुंचे तो उन्हें ये लगता था कि जी बस अब इससे नीचे लेवल कोई भी नहीं है, इससे स्मॉलर पार्टिकल्स कोई भी नहीं है। न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है यही सबसे स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है उनकी आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है आपस में कि वो बिल्कुल एक डेंस मटीरियल सेंटर के अंदर होता है, एटम के अंदर। लेकिन फर्दर जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, डिकेस किए गए, ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। बेसिकली ये भी कुछ पार्टिकल्स को आपस में मिला के ये बना है, ठीक है। क्लियर समझ आ रही है मेरी? मुझे बता दे, मैं फिर बता देती हूँ। मैम अभी थोड़ी सी थोड़ा सा पीछे ही कटी है। ओके बेटा, मैं ये कह रही थी कि जब न्यूक्लियर लेवल तक साइंटिस्ट पहुंचे हैं, वहां तक उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की है पार्टिकल्स के मुतालिक, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जी अब यही फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटोन है, क्योंकि वो इतनी क्लोजली बाउंड थे, इतना डेंस था न्यूक्लियस कि वो समझते थे इससे स्मॉलर पार्टिकल कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फर्दर जब डिकेस किए गए तो डिफरेंट पार्टिकल्स और उनको मिले, ठीक है, डिस्कवर किए डिफरेंट साइंटिस्ट ने कि जी नहीं, अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स वो हैं जिनको मिलाने से हमारे पास इलेक्ट्रॉन बनता है, जिनको मिलाने से हमारे पास प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन मिलता है, ठीक है। ये फंडामेंटल हमारे पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी मैम, ठीक है। उसके बाद अब फिजिक्स ने बहुत से, जैसे यहाँ पर लिखा गया, हंड्रेड ऑफ न्यू पार्टिकल्स डिस्कवर किए थे। अब वो हंड्रेड ऑफ पार्टिकल्स भी हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी दुनिया में या पूरी कायनात में सिर्फ यही पार्टिकल्स हैं, इनके अलावा भी बहुत से पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो अभी तक डिस्कवर होना बाकी है। अभी रिसेंटली 3 पार्टिकल्स और डिस्कवर हुए हैं पिछले दिनों में, ठीक है, पिछले दिनों में 3 और पार्टिकल्स डिस्कवर हुए। एक मेरे पास वीडियो है, उसका लिंक मैं आपके साथ ग्रुप में महानूर और बुशरा के साथ शेयर कर दूंगी, बुशरा या महानूर आपके साथ क्लास के ग्रुप में शेयर कर देंगी, ठीक है, वो आप जरूर देखिएगा। वो न्यू पार्टिकल्स के मुतालिक है, उसके अंदर बहुत अच्छे से फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में भी सारा बताया गया। अब जब तक के क्लासिकल मैकेनिक्स का लेवल रहा है, जहाँ जब तक हमारे पास न्यूटन की फिजिक्स रही है, तब तक हम जस्ट एटॉमिक लेवल तक पढ़ते थे, मैक्रो पार्टिकल्स को पढ़ते थे, ठीक है, मैक्रो लेवल तक। लेकिन जब उससे नीचे हम गए हैं तो हमारे पास माइक्रो लेवल आ गया, और वहां पर हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज थे, थ्योरीज थी, वो फ्लॉप हो गई, वो काम ही नहीं करती थी। ये हम ये कह नहीं सकते कि वो गलत है,
जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरीज और लॉज हैं वो गलत है, नहीं वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ तक, मैक्रो लेवल तक। लेकिन जब हम माइक्रो लेवल के ऊपर जाते हैं, बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स के ऊपर जाते हैं, तो हमें नई तरह की थ्योरीज और लॉज चाहिए, और वो थ्योरीज और लॉज हमें दिए आइंस्टाइन ने दिए, ठीक है, और हमें दिए जो उनके अलावा जो बाकी साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। इस वक्त कायनात में हमने बहुत से पार्टिकल्स डिस्कवर किए हैं जिनको मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दे सकते हैं। अब इसको समझाने के लिए, बताने के लिए कि कौन से कितने पार्टिकल्स आपस में मिलके हमारे पास पार्टिकल बनते हैं, तो वो हमें एक स्टैंडर्ड मॉडल दे दिया गया। एक मतलब आप किसी भी चीज को जब एक्सप्लेन करते हो तो आपको कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर बताना पड़ता है, कोई ना एक जहन में स्केच बनाना पड़ता है, जी हाँ जी इस तरह से है, ये मॉडल है इस तरह से है। तो इसी तरह पार्टिकल्स जो कि हमारे पास फंडामेंटल कितने हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स को मिलाने से कौन सा पार्टिकल बनेगा, ये सब बताने के लिए एक मॉडल पेश किया गया जिसको हम स्टैंडर्ड मॉडल का नाम देते हैं। अब स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास दो फैमिलीज हैं, एक है लेप्टॉन्स की और एक है हमारे पास क्वार्क्स की। ये दोनों फैमिलीज बेसिकली आपके पास है फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स बेसिकली अगर उर्दू में कहा जाए तो बुनियादी, जिनको हम और तोड़ नहीं सकते, बुनियाद है, इनको मिलाने से हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल बनेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जिनको हम और छोटे लेवल पर नहीं लेके जा सकते। जैसे हमारे पास अगर एटम है तो एटम का छोटा लेवल हमारे पास आ जाते थे कि इलेक्ट्रॉन अलग है, न्यूक्लियस अलग है, ये उसका। फिर उसके बाद आ जाते थे प्रोटोन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस लेवल को अगर हम और छोटे लेवल के ऊपर, पार्टिकल लेवल के ऊपर जाएं, तो प्रोटॉन हमारे पास क्वार्क से मिलके बना है, न्यूट्रॉन भी हमारे पास क्वार्क से मिलके बना है, अप और डाउन क्वार्क से मिलके बने हैं, ठीक है। तो अप और डाउन क्वार्क्स बेसिकली आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते और छोटे लेवल पर नहीं ले जा सकते, बल्कि उनको मिलाने से हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स मिलेंगे, बनेंगे, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है कि जो दुनिया है हमारे पास वो किस तरह से बनी है या किस तरीके से बनी है। तो बेसिकली हमारे पास कोई ना कोई पार्टिकल बनता है। जैसे अगर प्रोटॉन की ही बात करें तो हमारे पास प्रोटॉन किसी एक क्वार्क से नहीं मिला बना हुआ, वो हमारे मैम तो ये ग्रुप के हेड्रॉन्स की तरह, मतलब हेड्रॉन्स को मिलाने से मैम मेरी आवाज भी नहीं आ रही आपकी। मैम आवाज कट जा रही है आपकी। ये वाली स्लाइड्स में बेसिकली आपको बता रही थी कि क्वार्क्स कभी भी आपको अकेला नहीं मिलेगा, आपको कभी भी अप क्वार्क अलग नहीं मिलेगा, वो हमेशा ग्रुप्स में मिलता है, चाहे वो अप और डाउन को मिला लो, ठीक है, डिफरेंट क्वार्क्स को ग्रुप्स में मिलाओगे तो वो इस फॉर्म में आपको जो है वो पार्टिकल की शक्ल में मिलेंगे, कभी भी तन्हा आपको क्वार्क नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई उस ग्रुप ऑफ क्वार्क्स को हम हेड्रॉन्स का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, हेड्रॉन्स है, क्योंकि वो बेसिकली ग्रुप ऑफ क्वार्क्स है, अप और डाउन को मिलाते हैं तो आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? जी जी मैम जी। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया कि प्रोटॉन आपके पास दो तरह के क्वार्क्स को मिलाने से मिला है, जिसके अंदर आपके पास है कि टू क्वार्क्स ऑफ अप, दो अप क्वार्क्स हैं और एक डाउन क्वार्क है, ठीक है। अब क्वार्क्स बेसिकली क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, और फंडामेंटल पार्टिकल जो है क्वार्क्स वो कभी भी अकेला नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें नोट कर लो, इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं आपके, अभी भी नहीं, मैं सिर्फ इस टाइम पेपर की बात नहीं कर रही, ये पीपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। मैम दोबारा बताइएगा। कोई भी क्वार्क जो है वो सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, वो हमेशा ग्रुप की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रोटॉन की एग्जांपल दी है, प्रोटॉन बेसिकली एक हेड्रॉन है ना,
और हेड्रॉन क्या है, ग्रुप ऑफ क्वार्क्स है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर मेंशन है। मैम आपकी आवाज जैसे हमारे पास प्रोटॉन निकली उसके अंदर आपके पास दो अप क्वार्क्स हैं और एक डाउन क्वार्क है। मैम आपकी आवाज कट जाती है, लाइन पूरी होती नहीं है, आवाज कट जाती है। एक मिनट बेटा। हाँ जी बेटा आप बारी आवाज। जी क्लास आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके अब यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि आपके पास जो एग्जांपल है कि प्रोटॉन दो क्वार्क्स जो अप है और एक जो है वो डाउन, तीन क्वार्क से मिलके बना है, दो अप है और एक डाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर वो लास्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है द मैटर अराउंड एंड इवन ईच ऑफ अस इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स अप एंड डाउन एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हमारे इर्द गिर्द यहाँ तक कि हम खुद इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को मिलाने से बने हैं, ठीक है। अगर हम स्मॉलर लेवल्स के ऊपर जाते जाएं तो वो हमें एट द एंड फंडामेंटल पार्टिकल ही मिलेंगे, ठीक है। इवन अगर आप रेड ब्लड सेल ले लेते हो अपनी बॉडी का, उसको आप ब्रेक करते जाओ स्मॉलर लेवल तक, तो वहां एट द एंड आपको मिलेंगे क्या, या तो क्वार्क्स मिलेंगे या इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बुनियादी पार्टिकल्स हैं, इनको और हम तोड़ नहीं सकते, स्मॉलर लेवल पर लेके जा नहीं सकते। क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है जी। ओके अब ये फैमिलीज के बारे में बता रहे हैं जी। दो फैमिलीज हैं आपके पास, ये एक क्वार्क है और एक आपके पास लेप्टॉन की फैमिली है। छह ही आपके पास क्वार्क हैं और छह ही आपके पास लेप्टॉन हैं, ठीक है। अब इनके एंटी क्वार्क्स भी होते हैं और एंटी लेप्टॉन्स भी होते हैं, जिनको हम एंटी पार्टिकल्स का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है, न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है। क्लियर हुआ है? आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जी इन तीनों में से फंडामेंटल कौन सा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन न्यूट्रॉन, तो आपने बगैर सोचे समझे इलेक्ट्रॉन को मार्क कर देना है कि जी इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, वो अकेला है, फंडामेंटल है, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन वो है इलेक्ट्रॉन की फैमिली से मिलके बने। हाँ जी इसलिए क्योंकि जी जी जो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो ऑलरेडी ग्रुप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जिनको आप क्वार्क्स कहते हो। हाँ जी लेप्टॉन के क्वार्क जो है, लेप्टॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन है आपके पास। दो फैमिलीज है आपके पास, एक है क्वार्क और एक है लेप्टॉन, ठीक है। बेटा फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा फंडामेंटल। दोबारा इसको क्लियर कर दें। बेटा मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्लियर बेटा? ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, कहां तक मैंने आपको समझाया, कहां तक आवाज आई है आप लोगों को? हाँ जी बेटा मैं बता रही थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, उसके मुकाबले में अगर हम प्रोटॉन की बात करें और न्यूट्रॉन की बात करें तो वो फंडामेंटल नहीं है, वो हेड्रॉन है, और हेड्रॉन क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्वार्क्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। ओके अब आपके पास टोटल सिक्स क्वार्क्स हैं और सिक्स ही लेप्टॉन्स हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन है क्वार्क की वो है अप और डाउन,
सेकेंड जनरेशन है चार्म और स्ट्रेंज, थर्ड जनरेशन है आपके पास टॉप और बॉटम। ये छह क्वार्क हैं और जितने भी पार्टिकल्स मिलेंगे आपको वो इनको मिलाने से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आपके पास तीन न्यूट्रिनोज हैं और इलेक्ट्रॉन, म्यू और टॉ, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल टू जनरेशंस, एक है सॉरी टू फैमिलीज, एक क्वार्क की फैमिली है और एक इलेक्ट्रॉन की फैमिली है। जी बेटा, जी बेटा, बेटा टाइप कर दो, आपकी आवाज कट रही है। टाइप कर दें, आपकी आवाज कट रही है। ओके, आ रही थी के मैम जी आपकी अभी भी ये आवाज आ रही। डिफरेंट तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनके चार्जेस डिफरेंट हैं, इनके मास डिफरेंट है, ठीक है जी मैम। लेकिन अभी तो हमने कहा कि क्वार्क्स फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। नो, क्वार्क्स फंडामेंटल है, क्वार्क्स फंडामेंटल है। ये जो आपको ये पूरा एक चार्ट दिखाया है ना, ये सारे क्वार्क्स का और इलेक्ट्रॉन्स का, ये फंडामेंटल है। मैंने हेड्रॉन को बोला है, हेड्रॉन फंडामेंटल नहीं है, जो ग्रुप ऑफ क्वार्क्स होता है, ग्रुप ऑफ क्वार्क्स, ठीक है। जैसे प्रोटॉन की एग्जांपल दी मैंने आपको, ये जो आपके पास 6 और 6 12 ये पार्टिकल्स हैं, ये फंडामेंटल है, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। ओके, अब इनके चार्ज के ऊपर आ जाते हैं। आपके पास क्वार्क्स का जो चार्ज होता है वो +2/3 है और -1/3 है, ठीक है। आपके पास 2/3 और -1/3 फैमिलीज आपके पास दो हैं, एक लैप्टॉन की फैमिली है, क्वार्क की फैमिली है। जैसे आप लोग फैमिली में कास्ट सिस्टम होता है ना, कोई मतलब मतलब कोई भी कास्ट ले लो आप लोग, दो तरह की कास्ट है फैमिलीज को अलग करने के लिए, शो करने के लिए कि ये वाली फैमिली की कास्ट ये है, ये वाली फैमिली की ये कास्ट है। इसी तरह इन पार्टिकल्स को डिफरेंट नाम दे दिया गया है कि ये वाले पार्टिकल्स जो है ये क्वार्क्स हैं और ये वाले पार्टिकल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये दो तरह की फैमिलीज है, इनके चार्जेस डिफरेंट है, इनके मास डिफरेंट है, इनके डिफरेंट जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज से रिलेटेड है या वीक न्यूक्लियर फोर्सेज से रिलेटेड है, ये सारे इन दोनों फैमिलीज की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे अगर हम क्वार्क्स की बात करें तो क्वार्क्स को आपस में बाउंड करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस चाहिए होती है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ मिलके जुड़े होते हैं, इनको तोड़ना ब्रेक करना नामुमकिन है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्सेज भी आ जाती है, समझ आइए। तो ये इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दैट्स व्हाई हमने इनको दो फैमिलीज में रख दिया अलग अलग। मैम यहाँ पे ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि सेकंड और थर्ड जनरेशन, जी ये आप लोगों के आगे ही लिखा गया है, ये आप लोगों ने सर्च करके आना है कि हमें ये जनरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ये ठीक है, ठीक है, हम इनको अलग से फैमिलीज तो कह रहे हैं लेकिन हमें जनरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये आप लोगों ने कल मुझे सर्च करके बताना है, ठीक है। अब क्वार्क के चार्जेस देखिए, मैम रिपीट करिएगा क्वेश्चन क्या दिया आपने। हाँ जी, जनरेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, कि हमारे पास अगर फर्स्ट जनरेशन थी तो हमने सब पार्टिकल्स को एक ही जनरेशन में क्यों नहीं रखा, हमें दूसरी और तीसरी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है जी मैम। यस मैम, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास चार्जेस हैं। अब अगर हमारे पास अप चार्ज जो है वो +2/3 है तो डाउन जो है वो -1/3 है, ठीक है। इस तरह से इनकी डिवीजन हुई हुई है चार्जेस की। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके चार्जेस आपके पास -1 है और 0 है।
न्यूट्रिनोज जो है ये चार्ज लेस पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रिनोज के चार्ज नहीं होते, जस्ट लाइक फोटॉन्स। अब फोटोन के अंदर तो ये है आपके पास फोटोन मैसलेस भी होता है, ठीक है, फोटोन का मैस नहीं होता, लेकिन न्यूट्रिनोज का मैस होता है, सम हो थोड़ा बहुत मैस इनका होता है, जिसकी वजह से हम इनको फोटोन नहीं कह सकते। दैट्स व्हाई हमने इसको इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो कह दिया, इसको न्यू का न्यूट्रिनो कह दिया, और इसको टॉ का न्यूट्रिनो कह दिया। तीन न्यूट्रिनो है आपके पास। और ये यूज हम क्यों करते हैं, जब हमारे पास डिके हुए, बीटा डिके हुआ, गैमा, मतलब ये डिफरेंट डिके जो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़े हैं, वहां पर आपने ये भी पढ़ा होगा, न्यूट्रिनोज भी आते हैं आपके पास, ये बेसिकली उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, समहाउ थोड़ा बहुत मैस जो था वो मिसिंग था, ठीक है। जब डिकेज को देखा गया, कोई भी रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन उसको पूरा नहीं करते, ऐसा ही है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूरे होंगे तो ही आपकी जो इक्वेशन बैलेंस होगी वो प्रॉपरली, मतलब हो सकता है वो रिएक्शन। अगर कोई एक लॉ भी मिसिंग है, नहीं प्रॉपरली पूरा हो रहा, तो वो आपकी इक्वेशन गलत है, वो आप नहीं सही कर ही नहीं सकते हो। तो डिकेज जब किए गए, उनको जब स्टडी किया गया, तो बाकी सब चीजें तो प्रॉपरली आ रही थी, चार्ज भी सही आ रहा था, और दोनों साइडों पर बाकी चीजें सब कुछ एनर्जी भी सेम आ रही थी, हाँ, लेकिन मैस मिसिंग था, थोड़ा सा मैस, ठीक है। अब उसको कंप्लीट करने के लिए हमने ये सोचा, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि कोई पार्टिकल ऐसा है जिसका मैस तो है लेकिन चार्ज नहीं है, तब ये न्यूट्रिनोज डिस्कवर किए गए। तो इन न्यूट्रिनोज को तीन कैटेगरीज में रखा गया है, इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रिनो, म्यू की न्यूट्रिनो और टॉ की न्यूट्रिनो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि न्यूट्रिनो हमें क्यों जरूरत पड़ी इनकी। मैम न्यूट्रिनो जी, 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 यही बताया ना कि ये चार्जलेस होंगे और थोड़ा इनका मास होगा हमारे पास। जी 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 जी, न्यूट्रिनोज का चार्ज तो चार्ज नहीं होता लेकिन मास है, मास है। जरूर बता दें कि ये क्यों जरूरी क्यों है, ये एक दफा बता दें। बेटा जरूरी इसलिए थे, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिकेज पढ़े हैं ना, डिकेज आपने, yes, आपने वहां पर आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए न्यूट्रिनो भी पुट करते थे। अब रिएक्शन जब डिकेज किए गए तो वहां पर ये देखा गया कि बाकी चीजें तो कंजर्वड है, चार्ज कंजर्वड है, लेकिन मैस कंजर्व नहीं था। यहाँ तो रिएक्टेंट्स का मैस ज्यादा था या प्रोडक्ट का मैस ज्यादा था, दोनों साइडों पर मैस सेम नहीं आता था। अगर हमारे पास मैस ही सेम नहीं है तो हम वो रिएक्शन कर कैसे सकते हैं, लेकिन नेचुरली वो होता था डिके, बीटा डिके होता था। तो वहां पर ये ऑब्जर्व किया गया, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी फंडामेंटल हैं जिनका चार्ज तो जीरो है लेकिन उनका मैस है, तो वहां पर ये न्यूट्रिनोज बेसिकली डिस्कवर हुए। अब क्लियर हो गया कि हमें क्लियर हो क्यों थी। हाँ जी बेटा जोया, क्लियर है? क्लियर है? यस मैम, यस मैम। के क्वार्क्स को बता दें एक बार फिर से। जी लेप्टॉन से क्लियर हो गया, मैंने क्वार्क्स का बता दें। ठीक है, क्वार्क्स आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इनके चार्जेस आपके पास +2/3 है या -1/3 है, ठीक है मैम। इनका ये टेबल से रिकॉर्ड आपके पास इसलिए रहो। जी जी, ये टेबल से ये वाली वैल्यूज का बताएं, UCTDSB मैम, इनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। यही वो क्वार्क है, यू आपके पास अप को शो करता है, लिखा हुआ है ना नीचे अप, डी से डाउन, ये नाम है इनके, अप डाउन, टी फॉर चार्म, स्ट्रेंज ऐसे, टी फॉर टॉप और बी फॉर बॉटम, ये नाम है बेसिकली। अगर कहीं भी आपको यू नजर आएगा उसका मतलब है ये अप क्वार्क है, कहीं पर डी नजर आएगा उसका मतलब है ये डाउन क्वार्क है, सी लिखा हुआ नजर आएगा ये चार्म है, एस लिखा हुआ नजर आएगा ये स्ट्रेंज है, इसी तरह टी लिखा होगा तो टॉप, अगर बी लिखा होगा तो बॉटम, क्योंकि हम हर जगह ये पूरा पूरा नाम नहीं लिख सकते, तो स्मॉलर लेवल के ऊपर, मतलब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए
हमने सिंपली इनका फर्स्ट लेटर यूज किया होगा, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम, ठीक है? ओके मैम, ओके। ये वाली स्लाइड क्लियर है? अब फैमिली से रिलेटेड ये आपने बस डिस्कवर करके आना है, कल स्टडी करना है कि हमें दूसरी और तीसरी जनरेशन की जरूरत क्यों हुई थी। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इनके एंटी पार्टिकल्स का मतलब क्या है। एंटी पार्टिकल्स का मतलब ये है कि वो उनका सेम मास होता है, बाकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उनका चार्ज ऑपोजिट होगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस वन चार्ज है, तो दूसरा जो एंटी पार्टिकल है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? हाँ जी, प्लस जी, और उस पार्टिकल को हम नाम देंगे पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन कभी भी नहीं आपने कहना, प्रोटॉन कभी भी नहीं आपने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल को कहना एंटी पार्टिकल को, क्योंकि प्रोटॉन एक हेड्रॉन है, वो क्वार्क से मिलके बना है। इलेक्ट्रॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल है, दैट्स व्हाई वो पॉजिट्रॉन है। इसी तरह म्यू माइनस जो है उसका एंटी पार्टिकल प्लस वन म्यू है, टॉ का भी इसी तरह माइनस वन है, ठीक है? न्यूट्रिनो, अब आप लोग कहोगे कि जी ऊपर जो जिनका चार्ज ही नहीं है इनका हमें एंटी पार्टिकल कैसे मिलेगा या पता चलेगा? तो इनके एंटी पार्टिकल है उनको जो शो करने के लिए ऊपर बार लगा दी जाती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो के ऊपर बार लगा दी जाएगी, म्यू के न्यूट्रिनो के ऊपर बार लगा दी जाएगी और टॉ के न्यूट्रिनो के ऊपर बार लगा दी जाएगी। मैम जी, इनका चार्ज तो है नहीं लेकिन जस्ट ऊपर बार लगा दी जाती है कि ये एंटी पार्टिकल है। क्लियर है मैम जी? जी मैम, एंटी पार्टिकल किस फैमिली में आते हैं? दोनों में, हर पार्टिकल मतलब, का एंटी पार्टिकल है। तो आप मतलब आपका चार्ज अगर प्लस टू बाय थ्री है तो जो इसका एंटी पार्टिकल होगा उसका माइनस वन, इसका हो जाएगा माइनस टू बाय थ्री, तो वो इसी फैमिली में आएगा क्वार्क्स की, वो एंटी पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है? मैम इलेक्ट्रॉन का आपने बताया एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन है। और मैम म्यू और टॉ का क्या बताया? म्यू और टॉ का बस उनका माइनस की जगह प्लस वन आ जाएगा। ओके मैम, ओके। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी आपके पास छह इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके अंदर तीन जो है वो चार्ज हैं और तीन न्यूट्रल हैं। न्यूट्रिनोस क्या हैं? ये न्यूट्रल हैं। और चार्ज कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, म्यू और टॉ, ठीक है जी। अच्छा, और ये बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, इनको वो कहते हैं कि ये लुक लाइक पॉइंट लाइक पार्टिकल, मतलब बहुत स्मॉल, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है? अगर हम इनका मतलब इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, बहुत बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं ये, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन आर द मोस्ट कॉमन एंड आर फाउंड इन द ऑर्डिनरी मैटर। और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं, मतलब हम जब से केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया आपने तब से पढ़ रहे हो जी इलेक्ट्रॉन है, एक शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, के में, एल में, एम में, एन में, ये शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा? जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, म्यू है और जो टॉ है, ये आपके पास चार्ज है, ठीक है? ये आपके पास चार्ज है। न्यूट्रिनो जो है ये चार्जलेस है, न्यूट्रल इनको आप कहोगे। और म्यू और टॉ जो है ये हैवियर है एंड आर चार्ज एज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का मास कम है और म्यू और टॉ का चार्ज, सॉरी मास जो है वो ज्यादा है, लेकिन उनका चार्ज सेम रहेगा, ठीक है? माइनस वन है तीनों का चार्ज, लेकिन मास में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। टॉ का पहले म्यू का ज्यादा, फिर म्यू से भी टॉ का ज्यादा। इसी तरह न्यूट्रॉन जो है इनका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इनका जो है एक्सट्रीमली स्मॉल मास, इनका बहुत 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 स्मॉल मास होता है,
ये जस्ट तब डिस्कवर किया जब हमारे पास रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं हो रहे थे और वो डिके नेचुरली होते थे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जिनका मैस तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता, तब ये न्यूट्रिनोज डिस्कवर किए गए थे। क्लियर है जी मैम? ओके, जब यहाँ पर देखो एंटी पार्टिकल्स के बारे में फिर से बता रहे हैं कि जितने भी आपके पास क्वार्क्स हैं और जितने भी आपके पास लेप्टॉन्स हैं उन सब के एंटी पार्टिकल पार्टनर्स होते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन माइनस वन है तो पॉजिटिव जो है वो पॉजिट्रॉन होगा, प्लस वन वाला। जैसे यहाँ पर देखो चार्ज और विद ऑल क्वांटम नंबर्स रिवर्स बट विद द सेम मैसेज, कि उनका जो चार्ज का क्वांटम नंबर है वो माइनस हो जाएगा लेकिन उनका मैस क्या रहता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एंटी क्वार्क्स ऑफ अप, इसको यहाँ पर देखो ऊपर बार से शो कर दिया गया। किसी भी एंटी पार्टिकल को शो करने के लिए आप सिंपली ऊपर बार लगा सकते हो, डाउन के ऊपर भी बार लगा दी है, स्ट्रेंज के ऊपर भी बार लगा दी है, चार्म के ऊपर, बॉटम के ऊपर और टॉप के ऊपर भी, पुट अ बार ओवर द सिंबल। तो जो भी आप सिंबल यूज करें किसी भी क्वार्क का या लेफ्ट मैम जी आपकी आवाज नहीं आ रही, उनका उसके पास एक एंटी पार्टिकल है। दोबारा से बताओ, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगेन बताइएगा। ओके अब आ रही है आवाज? यस मैम जी, मैम आ रही। ओके मैं कह रही हूँ बेटा सिंपली जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क होता है, हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। जैसे अब आपके पास इसका एंटी पार्टिकल, हम सिंपली उसके सिंबल के ऊपर बार लगा देंगे, जैसे यहाँ पर देखो ऊपर बार मेंशन है। इसी तरह डाउन का जो एंटी पार्टिकल है उसके ऊपर भी बार लगा देंगे, इनका मैस सेम है लेकिन इनका चार्ज है वो अपोजिट हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है आ रही है आवाज अब? जी यस मैम। ओके इसी तरह लेप्टॉन्स के अंदर भी है, लेप्टॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन म्यू और टॉ, इनके जो एंटी पार्टिकल होंगे इनका जो चार्ज है वो प्लस हो जाएगा। पार्टिकल्स का चार्ज माइनस वन है, एंटी पार्टिकल्स का चार्ज प्लस वन है। जी आवाज फिर से कट गई। एंटी पार्टिकल है इनके चार्जेस प्लस हो जाएंगे। ठीक है यस मैम। ओके जो एंटी इलेक्ट्रॉन है इसको हम पॉजिट्रॉन का भी नाम देते हैं। यहाँ पर देखो मेंशन है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो एंटी इलेक्ट्रॉन है ये नोन एज पॉजिट्रॉन, और एंटी क्वार्क्स जो है ये इनका एंटी कलर होता है। अब कलर्स के बारे में ये हम आपको जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं वहां पर भी आपको बताऊंगी कि ये कलर्स क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है या वो प्लस है या माइनस है या जीरो है। ठीक है अब यहाँ पर एक चीज आप न्यू पढ़ोगे कलर चार्जेस के बारे में भी। पहले अब तक आपने न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, एटॉमिक के अंदर, बेसिक फिजिक्स जितनी भी आपने अभी तक पढ़ी है यहाँ तक आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा है। कभी पढ़ा है कलर चार्ज के बारे में? नो मैम। आज जो है आप एक चीज न्यू स्टडी करोगे, सीखोगे और वो है कलर चार्जेस। जिस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना इसी तरह से कलर चार्जेस भी होते हैं। ठीक है ऐसा नहीं है कि जो चार्ज हम दे रहे हैं रेड दे रहे हैं, ग्रीन दे रहे हैं या ब्लू दे रहे हैं उन पार्टिकल्स का कलर ये है। नो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि जी स्टूडेंट थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़े वो जस्ट उनको नाम दे दिए गए हैं जी तीन कलर्स हैं और तीन ही एंटी कलर्स हैं। जैसे रेड का एंटी कलर होगा एंटी रेड, ग्रीन का एंटी कलर होगा एंटी ग्रीन, ब्लू का एंटी कलर होगा एंटी ब्लू। ठीक है जस्ट बार लगा दी गई है।
जैसे इनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए, इस तरह से इधर भी है, इनकी भी ग्रुपिंग की जाती है, पेयरिंग की जाती है ग्लूओन्स बनाने के लिए, ठीक है। When particle and antiparticles meet, they annihilate to give energy with all quantum numbers zero, usually as photons. कि जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलते हैं, एनिहिलेशन होती है, तो वहां पर लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी मिलती है आपको, और वो एनर्जी क्या होगी, मतलब जैसे फोटोन है जिसका कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है, दैट्स व्हाई हम उसको कहते हैं कि फोटोन इमिट होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे पार्टिकल्स इमिट होंगे जो मैसलेस हैं, चार्जलेस हैं, जस्ट लाइक फोटोन, जब आप किसी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को मिलाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आपके पास है हेड्रॉन। हेड्रॉन का थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया, हेड्रॉन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ, किनका ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ क्वार्क्स को आप क्या कहते हो, हेड्रॉन, ठीक है। हाँ जी, अब हेड्रॉन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट इंटरैक्ट थ्रू स्ट्रॉन्ग फोर्स। टोटल फोर्सेस कितनी है आपके पास? हाँ जी बताएं बच्चों, टोटल फोर्सेस कितनी है? जी हाँ जी बेटा बताएं, फोर्सेस कितनी है आपके पास टोटल? मैम टू। हाँ जी, और कोई बताना चाहेगा? हाँ जी ठीक है, कौन कौन सी है? किसी को पता है कौन कौन सी है? मैम ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। जी ग्रेविटेशनल फोर्स में जी आवाज नहीं आ रही। मैं बताती हूँ बेटा, मैम वो कह रही ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। ये गलत है, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस चार्ज हैं, चार्ज उनमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। मैम यही मैं स्ट्रॉन्ग और वीक का भी बोल रही थी। हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और ग्रेविटेशनल, ठीक है। यस मैम, मैंने भी यही बोलनी है। हाँ जी ठीक है नबीला, आपने बिल्कुल सही बताया है। तो हेड्रॉन्स जो है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि हेड्रॉन्स जो क्वार्क्स मिलके बनते हैं, वो कौन सी फोर्सेस होती हैं? वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, ठीक है, उनकी रेंज थोड़ी है, लेकिन उनको हम एक दफा अगर वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के अंदर पार्टिकल आ जाए तो उनको तोड़ना बहुत 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 मुश्किल, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जी क्वार्क्स अलग नहीं मिलते, यही रीजन है ना कि उनकी जो फोर्सेस है उनको आपस में जोड़ने के लिए वही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन पार्टिकल्स को हम अलग अलग कर ही नहीं सकते। क्लियर हो गया बेटा? वीक वीक फोर्सेस नोट कर लें, वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, देन आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, यस मैम। मैम वीक न्यूक्लियर फोर्स है,
क्लियर है? दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है जी। ये आपने कहा ना वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स ही? हाँ जी, ये सिर्फ वीक फोर्स, सिंपल वीक फोर्स कह दो। ओके मैम। अच्छा, अब लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स जो है ये दो डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाएंगे। लेप्टॉन्स को तो टोटली आप अलग कर दो ना बेटा, मैंने अभी तो बताई है चारों, फिर बता रही हूँ, नोट कर लो, लास्ट कह सकते हो उसको। फिर है वीक फोर्सेस है, फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फिर है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है जी मैम। ओके, अब आपके पास जो हेड्रॉन्स है इनको हमने टू डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, और वो दो कैटेगरीज हैं ब्रियोन्स और मेसोन्स। ठीक है, ब्रियोन्स और मेसोन, इनको हम किस बेस पर ब्रियोन्स और मेसोन्स कहते हैं ये हम नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी जैसे आपको इतना पता होना चाहिए कि हेड्रॉन ग्रुप ऑफ क्वार्क्स है, और इनको आपस में दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हेड्रॉन को। एक कैटेगरी का नाम है ब्रियोन और एक कैटेगरी का नाम है मेसोन। ठीक है, और इनको हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर डिवाइड करते हैं कि कौन से ग्रुप्स आपस में मिलके ब्रियोन्स बनाएंगे और कौन से ग्रुप ऑफ क्वार्क्स मिलके आपके पास मेसोन बनाएंगे। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखो, मोस्ट ऑफ द मास वी ऑब्जर्व इन द हेड्रॉन्स कम फ्रॉम इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर जो उनका मेजर ज्यादातर जो मास है जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो उनकी जो एनर्जी स्टोर है अंदर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है जो उनकी, वो उस वजह से वो मास होता है उनका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हेड्रॉन्स तक? जी मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। ओके, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर फोर फंडामेंटल फोर्सेस जो मैंने अभी आपको बताए यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, यस मैम। अब हम जो, क्योंकि हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं लेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैसिव पार्टिकल्स जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सन है, इनके दरमियान की जो फोर्सेस है यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को लेंगे। क्योंकि पार्टिकल्स हमारे बहुत स्मॉल है, अब इलेक्ट्रॉन और जो क्वार्क्स या लेप्टॉन्स हैं आपके पास वो बहुत स्मॉल होते हैं, इनके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। हमारे ऊपर तो ग्रेविटी एक्ट करती है जिसकी वजह से हम चल फिर रहे हैं, ठीक है, जमीन के ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से अगर उसको कोई पॉजिट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव साइड के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई यहाँ तक आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। लेकिन नेक्स्ट जो है हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा बाकी तीनों फोर्सेस को स्टडी करेंगे, ग्रेविटेशनल को नहीं स्टडी करेंगे। रीजन क्या है कि पार्टिकल स्मॉलर होने की वजह से उनके ऊपर ग्रेविटी का कोई ऐसा असर नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर देखो कि जी पार्टिकल्स इंटरैक्ट क्वेश्चंस हैं, आखिर क्या वजह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, क्या रीजन है? सिर्फ क्या वो चार्ज जो ऑपोजिट चार्जेस हैं या सिमिलर चार्जेस हैं उनकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है, कि कोई ऐसे दरमियान में रीजन होगी मौजूद? जैसे यहाँ पर मैग्नेट की
मैम आपकी आवाज कट गई। मैम आवाज फिर क्यों कर रहे हैं? ओके, मैं पूछ रही हूँ कि ये फोर्सेस क्यों हैं, रीजन क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों होती है? आ रही अब आवाज? जी मैम अब आ रही है। हाँ जी, कुछ क्लास बता दें, क्लास लॉक हो गई थी। मैं बेटा पूछ रही हूँ कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों होती है? फोर्सेस की वजह से। और फोर्सेस की वजह क्या है? क्या कोई ऐसे पार्टिकल हैं जो इनको आपस में, मतलब ये कहते हैं कि अब अट्रैक्शन करनी है, अब रिपल्शन करनी है? मैम अपने अंदर डेफिशिएंसी को फिल अप करने के लिए। नो मैम, कंटीन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नो, चार्जेस की वजह से। मैम हाई पार्टिकल, जैसे आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो बताती है कि जी अब अट्रैक्शन करनी है, को अब रिपल्शन करनी है। मैम चार्जेस की वजह से। हाँ जी, उन कुछ पार्टिकल्स की वजह से बेसिकली। ठीक है, मेसॉन्स नहीं आएंगे, मेसॉन्स ऑलरेडी पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर हर फोर्स का अपना एक पार्टिकल। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर जो फोर्स कैरियर है वो फोटोन है। फोटोन बताते हैं जी अब यहाँ पर क्या होना है, अट्रैक्शन होनी है, रिपल्शन होनी है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वहां पर जो है वो ग्रेविटोन है पार्टिकल्स। ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, जैसे हम सिंपल बाकी पार्टिकल्स कह रहे हैं ना, इसी तरह यहाँ पर भी पार्टिकल्स हैं, फोर्स कैरियर्स का नाम दिया जाता है उन्हें। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के फोर्स कैरियर क्या होंगे? मैं सिंपली जैसे आपके पास मैसेज पहुंचाने वाला, यदि हमारा मोबाइल फोन क्या कर रहा है इस टाइम, ये लैपटॉप की स्क्रीन क्या कर रही है, मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रही है, ये वॉइस कैरियर है। ठीक है, जो इंटरनेट कनेक्शन है ये मेरी आवाज को आप तक दूसरी साइड पर पहुंचा रहा है, वीडियो को पहुंचा रहा है। इसी तरह रिएक्ट करना है तो कोई ना कोई इनका मैसेंजर तो होना चाहिए ना, जो ये बताए थी अब इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन होनी है या रिपल्शन होनी है। तो उन पार्टिकल, हर फोर्स का अपना एक पार्टिकल है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वहां पर हमारे पास जो फोर्स कैरियर है वो क्या है, ग्रेविटोन है। वो क्या है? ग्रेविटोन है। अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें तो जो फोर्स कैरियर है वो आपके पास क्या है, ग्लूओन है। ठीक है, वो क्या है, ग्लूओन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के लिए आपके पास जो है ये फोटॉन्स हैं। मैम क्लियर हुई ये बात मेरी? मैम दोबारा बताइएगा। क्या बताऊं, मुझसे पूछे आप? यही कि ये क्यों अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बेटा मैं बताती हूँ। सिंपली आपको बता रही हूँ कि जी आपके जब दो चीजों में अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है तो कोई ना कोई फोर्स कैरियर है जो ये बताएगा जी अब इनके दरमियान अट्रैक्शन है या इनके दरमियान रिपल्शन है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें जी सन को अर्थ क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन किसकी वजह से है? सन की वजह से ना, सन की ग्रेविटी है जो कि अर्थ को मजबूर करती है कि जी उसके गिर्द एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। अगर ऐसा ना होता तो तबाही मच जानी थी, क्यामत आ जानी थी। अगर
जमीन जो है अपने ऑर्बिट से कहीं बाहर निकल जाए तो, ठीक है, क्यामत तभी आएगी ना जब जमीन अपने मदार में नहीं होगी, सूरज अपने एक पॉइंट से इधर उधर हो जाएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगी। तो क्या ऐसी रीजन है? तो वो सिंपली वो पार्टिकल्स हैं जो ये बताते हैं फोर्स को कैरी करते हैं एक से दूसरे पार्टिकल की तरफ, और उन फोर्स कैरियर्स को हमने हर फोर्स का डिफरेंट फोर्स है उनको हम ल्यूऑन्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब वीक फोर्सेस का मैं बताती हूँ, वीक फोर्स कैरियर्स जो हैं वो आपके पास बोजोन्स हैं, नोट कर लियो सब। जी मैम, जी मैम, जी मैम। वीक फोर्सेस का है बोजोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का है फोटोन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का क्या है? फोटोन। अब लास्ट आपके पास कौन सी रह गई है? ग्रेविटेशनल, इसका है ग्रेविटोन। ठीक है, ये क्या है? ग्रेविटोन। जी मैम, नोट कर लिए चारों आपने? यस मैम। मैम पहले दो रिपीट कर दें, आखिर वाले हो गए। ओके, स्ट्रॉन्ग का है आपके पास ग्लू ऑन, फर्स्ट का है ग्लू ऑन, इलेक्ट्रॉन जो आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स है। सेकेंड आपके पास जो फोर्स है वो है आपके पास वीक फोर्स, वहां पर आपके पास है बोजोन। थर्ड आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए फोटोन। चले बेटा अब अटेंडेंस लगा लो आप लोग।